प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी आपका साथी, और हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज आई टू द पावर आई, आई टू द पावर आई का वैल्यू क्या होता है। आई टू द पावर आई हम जानने में उत्सुक हैं। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ये जो बेस आई है, इस बेस आई को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 0+1i, करेक्ट। 0+1i टू द पावर आई, बड़ा इम्पॉर्टेंट और अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। कई इसके वीडियोस पढ़े आप, देख सकते हैं उनको। अब अगर इस जीरो को लिख दिया जाए कॉस पाई बाय टू, तो आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉस पाई बाय टू जीरो ही होता है। आई टाइम्स साइन पाई बाय टू, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन पाई बाय टू वन होता है। टू द पावर आई, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इस कॉस पाई बाय टू को प्लस आई साइन पाई बाय टू को आप ई टू द पावर आई पाई बाय टू लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि इस रिजल्ट का आप यूज़ करिए तो आपको डी मोइवर्स थ्योरम भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ई टू द पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई टाइम साइन थीटा, ई टू द पावर आई थीटा एंड दीज टू आर सेम। तो कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू लिख सकते हैं। होल टू द पावर क्या है, आई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर आई इंटू आई, आई स्क्वायर पाई बाय टू। ई टू द पावर आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ई टू द पावर आई स्क्वायर को लिख सकते हो, आई स्क्वायर इज व्हाट, माइनस वन, माइनस वन इंटू पाई बाय टू। देयर फोर द आंसर इज ई टू द पावर माइनस पाई बाय टू, ई टू द पावर माइनस पाई बाय टू। सो कीप इन माइंड दिस आई टू द पावर आई इज व्हाट, दिस आई टू द पावर आई, इन फैक्ट दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट देयर आउटकम इज व्हाट, अ रियल नंबर, ई टू द पावर माइनस पाई बाय टू। सो कीप दिस इन माइंड एंड आंसर इज ई टू द पावर माइनस पाई बाय टू। Wishing you all the best। आपने अगर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम साथ में बने रहें, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे डिस्कस करते रहें और आप अपने दोस्तों के साथ मेरी बातें शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, आपका अपना। विशिंग यू अ वेरी गुड लक।